नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ मार्केट्स के एक इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 14 साल से हम स्टॉक मार्केट का एनालिसिस कर रहे हैं और पिछले 14 साल में हमने ये सीखा है कि जब भी मार्केट लाइफ टाइम हाई के आसपास होता है, आप देखते हैं कि ट्रेडर्स के मन में एक एंजाइटी आ जाती है। उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा मौका है पैसे कमाने का, पर ये कई बार ऐसा समय भी रहता है जब आपको और ज्यादा अलर्ट और ज्यादा सचेत होने की जरूरत रहती है। क्योंकि जिस तरीके से अभी भी डेरिवेटिव्स मार्केट में खासकर ट्रेडर नुकसान कर रहे हैं, जिस तरीके की ब्रोकरेजेस पे कर रहे हैं, जिस तरीके की वहां पे एडिशनल कॉस्ट है, और उसके बाद अगर लॉसेज होते हैं तो फिर वो उनको डबल जो है कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपको ऐसे टाइम पे थोड़ा अलर्ट होने की भी जरूरत है। और आज के वीडियो में हम ये चर्चा करने वाले हैं कि भाई, जो डॉलर इंडेक्स में रिकवरी हुई है, यूएसडी आईएनआर में डॉलर जो है विद रिस्पेक्ट रूपी मजबूत हुआ है, और अमेरिकन मार्केट में डाउ जोन्स, नेस्डेक जैसे जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं, इनका फ्राइडे में जो पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है, उसका आने वाले बाजार के ऊपर क्या असर होने वाला है, यूरोपियन मार्केट में फिटसी कैक डेक्स जैसे इंडेक्स का जो पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है, उसका क्या असर हो सकता है, साथ ही साथ आज बैंकिंग सेक्टर का एक चमकता हुआ सितारा मिड कैप, उस बैंक की चर्चा करने वाले जो कि इन्वेस्टर्स के रडार पे है, और बहुत सारे न्यूज आपने इस बैंक को लेके सुनी होंगी। कई ये भी चर्चाएं होती है मार्केट के अंदर कि क्या ये भविष्य का HDFC बैंक बन सकता है, जिस काउंटर की हम बात आज करने वाले हैं, डिटेल्ड रिसर्च जो उसका रिजल्ट्स निकल के उसका एनालिसिस आपके सामने रखने वाले हैं और एक अच्छा पर्सपेक्टिव देने वाले। उस बैंक का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको काफी इंपॉर्टेंट इनसाइट्स मिलने वाले हैं। चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर का PMI का डेटा, उसका एनालिसिस है, साथ ही साथ US मार्केट में जो मंथली पेरोल का डेटा आता है, जो एवरेज आवरली अर्निंग्स, वहां की जो नॉन फॉर्मिंग इंडस्ट्री है, फॉर्मिंग इंडस्ट्री को छोड़ के जो दूसरी इंडस्ट्री, उसमें किस तरीके से पेरोल एम्प्लॉयमेंट की क्या कंडीशन है, और अमेरिका में बेरोजगारी की क्या दर है, ये सारी चर्चा वीडियो में आखिर में। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम दोस्तों आपको अभी तक करना है, आप वीडियो देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो व्यूअर्स हमारे चैनल का कंटेंट पसंद कर रहे हैं अगर आप, तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, कमेंट्स करिए, दो दो तीन तीन कमेंट्स करिए, अपनी क्वेरीज पूछिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है हमारा वीडियो YouTube पहुंचाए और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल के मेंबर बने। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है इंडेक्स देख लेते हैं। निफ्टी की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, पर वीकली बेसिस पे दोस्तों ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव हो गया है। कल की अगर बात करें अपन, तो पहला रेसिस्टेंस आपको 19900 पे मिलेगा और दूसरा रेसिस्टेंस 20000 का मिलेगा। अगर सपोर्ट की बात करें तो नीचे की तरफ दोस्तों 19500 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और उसके बाद में फिर 19350 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ओवरऑल दोस्तों निफ्टी में ऐसा लग रहा है कि अब जब तक ये 19900 को क्लोज नहीं करेगा क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक कोई मेजर मजबूती आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, पर नीचे की तरफ 19500 भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, लग नहीं रहा है कि सपोर्ट को ब्रीच करेगा। तो 19500 से 19900 की इंपॉर्टेंट ब्रॉडर जो है ट्रेडिंग रेंज बन रही है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो इसका लॉन्ग टर्म का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, ओवरऑल वीकली बेसिस पे ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव हुआ है। मंडे के लिए पहला रेसिस्टेंस 46100 का है, दूसरा रेसिस्टेंस 46370 का है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट 45250 का, दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो 45050 का बन रहा है। अब दोस्तों ओवरऑल बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो ये अगर 46100 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर अगले जो इसमें टारगेट्स बन रहे हैं वो 46400 46500 के बन सकते हैं। तो ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि 46100 जो है इंटरमीडिएट बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का काम करेगा, और नीचे की तरफ ऐसा लग रहा है कि 45000 से लेके 45250 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो ये बैंक निफ्टी को लेके हमारा एनालिसिस है। अब सेक्टोरियल पर्सपेक्टिव की बात करें तो इस पूरे वीक के जब चार्ट्स का हमने एनालिसिस किया, तो जो सेक्टर हमें मजबूत लग रहे हैं, जो अगले वीक में मजबूत रह सकते हैं, उनमें पहला जो सेक्टर है वो निफ्टी रियलिटी का है, तो इस सेक्टर की जितनी भी दिग्गज कंपनी है वो आपके रडार पर होना चाहिए। दूसरा सेक्टर जो है मजबूत लग रहा है अगले वीक के लिए वो निफ्टी फार्मा का है, तो इस सेक्टर की भी कई कंपनीज में जो है चार्ट्स काफी अच्छे लग रहे हैं, वो आपके रडार पर हो सकती है। और तीसरा जो सेक्टर है जो मजबूत रह सकता है वो निफ्टी PSU बैंक का। तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग सेक्टर से जहां तक वीक सेक्टर्स की बात करें तो अगले वीक के लिए हमें ऐसा लग रहा है कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का जो इंडेक्स है उसमें वीकनेस रह सकती है, सेक्टोरियल बेसिस पे ऐसा लग रहा है कि गिरावट आ सकती है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ वीकनेस आ सकती है। साथ ही साथ दोस्तों निफ्टी ऑटो में भी अब ऐसा लग रहा है कि थोड़े समय के लिए शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है निफ्टी ऑटो इंडेक्स में, खासकर M&M में जिस तरीके से न्यूज निकल के आई थी, न्यूज क्या है उसका क्या एनालिसिस है आप लास्ट वीडियो में जाके पावर ऑफ मार्केट्स के देख सकते हैं। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो अमेरिकन मार्केट में चाहे डाउ जोन्स हो, नेस्डेक हो, सभी पॉजिटिव लग रहे हैं। यूरोपियन मार्केट से भी पॉजिटिव सिग्नल है। जहां तक एशियन मार्केट्स की बात करें तो निफ्टी और हैंगसेंग जैसे जो इंडेक्स है वो मजबूती दे रहे हैं।
तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से इंडियन मार्केट के अगले वीक में थम्स अप है। अब दोस्तों यहां तक डॉलर इंडेक्स की बात करें, जो वीकली बेसिस पे हम एनालिसिस करते हैं, तो डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें तो 101.4 के आसपास अभी चल रहा है, रिकवरी हुई है, करेक्शन आया तो उसका रिकवरी हुई है, तो अभी ऐसा लग रहा है और उसका ये कारण ऐसा बन रहा है कि निफ्टी जो है अभी भी 20,000 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में जो है एक रिकवरी देखने को मिली है। तो जब तक ये 102.50 के नीचे बना हुआ है, कोई मेजर पुल बैक आने की पॉसिबिलिटी नहीं, अगर 102.50 के ऊपर निकलता है तो फिर इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको और गिरावट देखने को मिल सकती है, ये आपको ध्यान रखना। जैसे ये 100 के नीचे फिर स्लिप होता है, आपको इंडियन मार्केट में हो सकता है निफ्टी में नए हाई लगते देखें, तो ये कुछ तरीके का रिलेशन बन रहा है। अब यूएसडी एनआर की बात करें, डॉलर जो है अभी भी विद रिस्पेक्ट टू रुपए एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में है, ऊपर की तरफ 84 और नीचे की तरफ 80 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये 4 रुपए की एक ब्रॉडर रेंज है, तो ऐसा लग रहा है कि यूएसडी एनआर भी जो है अगले वीक में निफ्टी वीक बैंक निफ्टी के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकता है। अब मार्केट के अंदर जो इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपके रडार पे होना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए, तो पहला डेटा दोस्तों चाइना का मंडे को जो है मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आने वाला है। ये बताता है एक प्रकार का ये डिफ्यूजन इंडेक्स है, इस लेवल ऑफ डिफ्यूजन इंडेक्स विच इंडिकेट कि जो परचेसिंग मैनेजर है मैनेजर इंडस्ट्री के, उनके किस तरीके से ऑर्डर्स आ रहा है, इससे आपको पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की क्या सिनेरियो और किस तरीके से आगे ग्रोथ रह सकती है। दूसरा जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है जिसमें खासकर एग्रीकल्चर और माइनिंग जैसे सेक्टर्स आते हैं, इस सेक्टर का भी पीएमआई का डेटा आना, पीएमआई का मतलब होता है परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स, तो वो परचेसिंग मैनेजर जो ऑर्डर वगैरह प्लेस करते हैं उसके हिसाब से कंपैरिजन रहता है। और ट्यूसडे के दिन जो है चाइना के सर्विसेज पीएमआई के डेटा, तो काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। अमेरिका के दोस्तों मंथली पेरोल के डेटा आने वाले हैं, एवरेज आवरली अर्निंग्स का, ये हमें बताता है कि भाई वहां के जो लेबर वर्कफोर्स है उनका पर आवर के हिसाब से वेजेस में चेंज हो रहा है, अर्थात उनको पर आवर वहां की जो कमर्शियल फर्म्स एंटरप्राइजेस है वो क्या पे कर रहे हैं, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो ये एक डेटा आपके रडार पर होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अमेरिका के इसके अलावा जो नॉन फार्मिंग इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर को छोड़ के अदर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट में क्या चेंजेस हुए हैं उसका हमें पता चलेगा, साथ ही साथ में अमेरिका की बेरोजगारी की दर पता चलेगी, क्योंकि भारत में भी बेरोजगारी की दर को लेकर कई तरीके के जो है अनसर्टेनिटी रहती है और कहा जाता है कि भारत में बेरोजगारी काफी वर्तमान में बढ़ी हुई, तो अमेरिका का डेटा किस तरीके से निकल गया था ये भी इकोनॉमी के ऊपर असर डाल सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, जो काफी इंपॉर्टेंट कंपनी, नंबर्स काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो नेट प्रॉफिट निकल के आए वो 765 करोड़ के आसपास निकल के आए हैं, और 765 करोड़ का अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो सेम क्वार्टर लास्ट फाइनेंशियल ईयर का था जो अप्रैल टू जून क्वार्टर, तो उससे अगर हम देखेंगे तो करीब करीब 61% के आसपास की ग्रोथ नेट प्रॉफिट में है, तो नेट प्रॉफिट में थम्स अप है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट अर्न्ड, जो वहां बैंक जो लेंडिंग करता है, हम कई तरीके के होम लोन लेते हैं, ऑटो लोन या अदर तरीके के बिजनेस लोन एजुकेशन लोन जो बैंक से लेते हैं, तो बैंक को लेंडिंग पे जो इंटरेस्ट अर्न्ड होता है उसकी ग्रोथ देखना काफी इंपॉर्टेंट होता है बैंकिंग सेक्टर्स के जब हम रिजल्ट के एनालिसिस करते हैं। तो 3,745 करोड़ का नंबर निकल के आया है, 36% अप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो ये भी 6.33% है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ गया है, पर अगर आप प्रीवियस क्वार्टर से देखेंगे तो थोड़ा सा नेट इंटरेस्ट मार्जिन में करेक्शन देखने को मिला है। अब अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें तो जीएनपीए और नेट एनपीए के नंबर देख लेते, तो जीएनपीए की बात करें तो जीएनपीए का नंबर इंप्रूव्ड होकर आया है, 2.17% है, और लास्ट ईयर के अगर हम सेम क्वार्टर से देखें तो उस समय 3.36 था, तो ओवरऑल ग्रॉस नेट परफॉर्मिंग एसेट में जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिला। नेट एनपीए का नंबर देखें तो नेट एनपीए का नंबर भी 0.70 हुआ है, जो कि पिछला जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में था 1.3 था। तो ओवरऑल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी आईडीएफसी फर्स्ट के साथ में मर्जर की बात चल रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में दोस्तों पहले ही आईडीएफसी बैंक कहलाता था, फिर कैपिटल फर्स्ट जो कि एनबीएफसी सेक्टर की कंपनी थी इसके साथ में इसका मर्जर हुआ, अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बना है, और अब फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट के मर्जर की बात चल रही, तो ये खबर भी आपके रडार पे होना चाहिए। और रिजल्ट्स अच्छे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है नेक्स्ट वीक में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है, पर स्टॉक काफी बड़ा हुआ है। किसी भी तरीके के अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइज आपको लेना है तो जो सेवी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर है जिनको आप फीस वगैरह पे कहते हैं उनके माध्यम से आप ले सकते हैं। ओवरऑल जो हमने एनालिसिस प्रस्तुत किया, जो रिजल्ट्स आए उसका डेटा आपके सामने रखा है। तो आशा करते हैं पावर ऑफ मार्केट का आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीकली स्टॉक मार्केट एनालिसिस का कार्यक्रम हर वीक में हम सैटरडे संडे के दिन कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है, आपकी कोई भी कमेंट्स क्वेरी है तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं या ईमेल के माध्यम से बता सकते हैं। कल फिर एक इंपॉर्टेंट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।